उत्तराखंड में आज भी भारी बारिश का अलर्ट है। बारिश की वजह से पहाड़ों के दरकने का सिलसिला जारी है। बद्रीनाथ हाईवे कई जगहों पर अब भी बंद है। पहाड़ दरकने की वजह से कई जगहों पर लंबा जाम लगा है। भूस्खलन के चलते बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 58 मंगलवार से ही बंद है और 3 जगहों पर यह हाईवे बंद पड़ा है। तो बद्रीनाथ हाईवे कई जगहों से बंद है, मंगलवार से ही 3 जगहों से ये बंद है। पहाड़ दरकने के कारण लंबा जाम लगा हुआ है, रास्ते बंद है। मिट्टी, मलबा और पत्थर रास्ते पर गिरे हुए हैं। NH-58 इस वक्त बंद है 3 जगह से। पहाड़ दरकने का सिलसिला लगातार जारी है। उत्तराखंड में बारिश और भूस्खलन की वजह से रास्तों पर इस तरह की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। NH-58 को 3 जगह नुकसान हुआ है जिसके कारण लंबा जाम लगा है। उधर विकास नगर में चक्राता कालसी रोड पर लैंडस्लाइड हुआ है। लैंडस्लाइड का एक बेहद खतरनाक वीडियो भी इस दौरान सामने आया जिसे देखकर दिलों में दहशत पैदा हो रही है। वीडियो में देखा जा सकता है कि पहाड़ी का एक बहुत बड़ा हिस्सा कैसे अचानक नीचे की तरफ गिर रहा है। गनीमत रही कि उस वक्त कोई वाहन चालक वहां से नहीं गुजर रहा था, वरना अंदाजा लगाइए किसी की जान भी जा सकती थी और नुकसान और बड़ा हो सकता था। चक्राता कालसी रोड पर देखिए किस तरह लैंडस्लाइड हुआ, उसकी तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं। पहाड़ का एक बड़ा सा हिस्सा मिट्टी और पत्थर दरकने के कारण सड़क से होता हुआ खाई में गिरता हुआ नजर आ रहा है। गनीमत थी कि यह रास्ता खाली था, कोई वाहन चालक वहां से नहीं गुजर रहा था, वरना सोचिए कि ये मलबा और ये लैंडस्लाइड उसे अपने साथ में लेता हुआ खाई में जा गिरता। अपने आप में तस्वीर जो है वो दहशत से भरने वाली है। चक्राता कालसी रोड पर लैंडस्लाइड, देखते ही देखते पहाड़ी दरकना शुरू हो गई। अब आपको लैंडस्लाइड की दो खतरनाक तस्वीर दिखाते हैं। पिथौरागढ़ और धारचूला में पहाड़ी से भूस्खलन की तस्वीर सामने आई है। खुमता ग्राम पंचायत में बारिश से भूस्खलन हुआ है जिससे कई पैदल मार्ग क्षतिग्रस्त हो गए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बड़कोट में नेशनल हाईवे पर मलबा गिरा है। तो दो तस्वीरें इस वक्त पिथौरागढ़ और बड़कोट से आप देख रहे हैं, लैंडस्लाइड की खतरनाक तस्वीरें। जगह जगह पहाड़ दरक रहे हैं। उत्तराखंड में आए दिन इस तरह की तस्वीरें आम हो गई हैं। उत्तराखंड में मानसून किस तरह मुसीबत लेकर आया है। लैंडस्लाइड हो रहे हैं, पहाड़ दरक रहे हैं, रास्ते बंद हो जाते हैं और कई बड़े हादसे भी हो सकते हैं। लंबा जाम लगा हुआ है रास्ते बंद होने के कारण। बारिश के मौसम में अक्सर पहाड़ के दरकने की इस तरह तस्वीरें पूरे उत्तराखंड से सामने आती हैं। और अगली खबर उत्तरकाशी से है, जहां हर्षिल घाटी को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाले एकमात्र वैली ब्रिज पर खतरा मंडरा रहा है। यहां मोटर पुल के लिए हो रही खुदाई की वजह से ब्रिज में दरार पड़ने लगी है, जिसके बाद अब प्रशासन पर पुल पर भारी वाहनों की आवाजाही को उसने रोक दिया है और नए पुल के काम को भी रोक दिया है। लोक निर्माण विभाग को सुरक्षा उपाय करने के निर्देश दिए हैं। हर्षिल घाटी जाने वाले लोग सावधान हो जाएं, भूकटाव के कारण यहां की दरारें बढ़ रही हैं। प्रशासन ने PWD को सुरक्षा के उपाय करने के निर्देश दिए हैं। जिला मुख्यालय से जोड़ने वाले वैली ब्रिज में दरार पड़ गई है। हर्षिल घाटी के लोगों में एक डर का माहौल है। ये देखिए दरारें हम आपको दिखा रहे हैं। RCC पुल की नींव के पास खुदाई की गई है। भू कटाव के कारण लगातार दरारें बढ़ रही हैं। लोगों को हिदायत दी गई है इस रास्ते का प्रयोग वो ना करें और PWD को सुरक्षा के मानकों का ध्यान रखने के लिए कहा है। वैली ब्रिज में दरार पड़ने से खतरा बढ़ गया है। भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। भागीरथी नदी पर नए RCC पुल की नींव के लिए खुदाई हुई और भू कटाव के कारण दरारें बढ़ने लगी, इसी कारण ये मुश्किल हो रही है। हर्षिल घाटी को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाले वैली ब्रिज में दरार पड़ गई है। दरारें पड़ने से घाटी के लोगों में डर का माहौल है। बारिश से हुए गड्ढों की वजह से वैली ब्रिज के नीचे कटाव शुरू हो गया और इस भूकटाव के कारण लगातार दरारें बढ़ रही हैं। दिग्वीर से इस पर अपडेट लेते हैं। दिग्वीर बताइएगा ताजा हालात क्या हैं? भारी वाहन तो जाने मना है, लेकिन लोग किस तरह मैनेज कर रहे हैं? जी आपको बता दूं, ये हर्षिल जो घाटी है ये सुप्रसिद्ध पर्यटन स्थल है और इसको ये जो गंगा के पाली तरफ है, इसमें 3-4 गांव पड़ते हैं। एक मुखबा पड़ता है, हर्षिल पड़ता है और आपका बबड़ी पड़ता है और वहीं से जो कि आर्मी का कैंप लगा हुआ है और आर्मी के कैंप जो कि
बड़ी बड़ी गाड़ियां आवाजाही करती थी और बैली ब्रिज लगा हुआ था, बैली ब्रिज में ज्यादा भारी क्षमता के वाहन नहीं चल पाते थे, तो कहीं ना कहीं आवाजाही बहुत तेजी से शुरू हो चुकी थी कोरोना काल में। तो इस दौरान जिस तरह से जो बारिश हुई है, बारिश के बाद जिस तरह से जो पुल है, पुल काफी पुराना हो गया था और जो कि अब जो उसमें दरारें पड़ गई, और दरारें पड़ने के बाद जो जिला प्रशासन ने जो छोटे वाहनों की आवाजाही शुरू की है, वो बड़े आवाज बड़े वाहनों की वो रोक लगा दी है। और उसी के बगल में जो कि अभी बड़ा पुल बनना है आरसीसी का, तो उनका जो ग्रामीणों का जो कहना है कि जो बड़ा पुल बनने के बाद जो जिस तरह से बरसात हो रही है, बरसात के दौरान उन्होंने खुदाई की है, तो ग्रामीणों का यह आरोप है कि अभी पुल नहीं, जो नव निर्माण पुल बनना था उसमें अभी खुदाई नहीं होनी थी। तो कहीं ना कहीं जो ग्रामीण है, जो आसपास के लोग हैं, जो वहाँ के बासिंदे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो कि नया पुल बनने से जो ये दरार पड़ी है, कहीं ना कहीं इस पर नुकसान हुआ है। और अब जिस तरह से मौसम, जिस लगातार बारिश हो रही है, तो आने वाले समय में काफी खतरा बन सकता है। वाकई आने वाले समय में ये खतरा बढ़ता जाएगा और तब तक पीडब्ल्यूडी को निर्देश दे दिए गए हैं कि वो आवश्यक सुरक्षा के उपाय करें। जानकारी के लिए शुक्रिया दिग्वीर आपका।